One person to see the demon, another person to hear the demon, and another to speak the demon's language. तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नो फियर मूवी को। इस मूवी की रेटिंग्स है 4.1 आउट ऑफ 10 ऑन IMDb एंड ऑन रॉटन टोमेटोज इट्स 57% फ्रेश। ये मूवी एक घर की स्टोरी को हमें दिखाती है जिसमें एक डिमोनिक फोर्स रहती है। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है एक फैमिली को दिखाते हुए जो अपने घर के बेसमेंट में एक रिचुअल कर रही होती है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं और तभी एक डिमोनिक फोर्स उस घर के बेटे को बेहोश कर देती है और जो उसकी माँ होती है वो पोजेस्ड हो जाती है। अब पोजेस्ड होने के बाद वो अपने हस्बैंड को मार डालती है और फिर जब उसके बेटे को होश आता है तो वो अपनी माँ को पोजेस्ड हालत में देखता है और तभी सीन कट हो जाता है। अब कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे उसी घर में एक न्यू कपल शिफ्ट होता है जिनका नाम होता है वेंडी और डोनाल्ड। अब घर शिफ्ट करते वक्त उनकी हेल्प करने के लिए आते हैं जेमी और चार्ली और वो दोनों भाई बहन होते हैं और वो दोनों वेंडी और डोनाल्ड से रिलेटेड होते हैं। अब जेमी को उस घर में एक पुराना फ़ोन मिलता है जो काम नहीं करता और जब वो वेंडी से बात कर रही होती है तो हमें पता चलता है कि जेमी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना चाहती है। अब कुछ देर बाद घर को एक्सप्लोर करते वक्त जेमी एक क्लोजेट में लॉक हो जाती है पर अजीब बात तो ये होती है कि उस क्लोजेट में लॉक होता ही नहीं है। अब घर में चीज़ें शिफ्ट करवाने के बाद चार्ली और जेमी वहाँ से चले जाते हैं और फिर वेंडी जाती है बेसमेंट में कुछ सामान लेने के लिए। अब वेंडी को बेसमेंट में एक बॉक्स मिलता है और वेंडी उसे खोलती है पर उस बॉक्स को खोलते वक्त वेंडी के हाथ में एक कट लग जाता है और फिर बॉक्स खोलने पर वेंडी को वही बुक मिलती है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी और वेंडी का खून उस बुक के ऊपर गिर जाता है। अब वेंडी उस बुक को ऊपर घर में ले जाती है और वो बुक बिल्कुल ब्लैंक होती है पर उस बुक के फ्रंट पेज पे लैटिन में 3 शब्द लिखे हुए होते हैं और वो शब्द होते हैं सुनना, देखना और बोलना। और जैसे ही वेंडी इन 3 वर्ड्स को समझती है उसे अपनी दीवार के अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगती है। अब दीवार के अंदर की आवाज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और फिर अचानक ही उसके घर की एक फ़ोटो दीवार से नीचे गिर जाती है और वेंडी घबरा जाती है। अब अगले दिन सुबह जब वेंडी सोकर उठती है तो उसे अच्छा फील नहीं होता और जब वो काम कर रही होती है तो वो काइंड ऑफ पोजेस्ड हो जाती है और एक अजीब सिंबल को कॉपी पे बना देती है। अब हमें नैन्सी को दिखाते हैं जो एक ग्रेजुएट असिस्टेंट होती है और वो आती है वेंडी से मिलने के लिए और फिर कुछ देर बात करने के बाद वेंडी और नैन्सी घर से बाहर चले जाते हैं। अब रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वेंडी खाना बना रही होती है पर वो फिर से अचानक से पोजेस्ड हो जाती है और पोजेस्ड होने के बाद वेंडी अपना हाथ उबलते हुए तेल में डाल देती है और उसका हाथ बुरी तरह जल जाता है। अब डोनाल्ड वेंडी को हॉस्पिटल लेके जाता है और फिर जब वो दोनों घर आते हैं तो वेंडी को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है और फिर वेंडी डोनाल्ड को बोलती है कि इस घर में ज़रूर कुछ गड़बड़ है। अब अगले दिन हमें जेमी को दिखाते हैं जो एक ऐसी जगह पहुंचती है जहाँ पे 3 लड़कियों का मर्डर हुआ था और जेमी वहाँ पे स्पिरिट से बात करने की कोशिश करती है पर काफ़ी देर कोशिश करने के बाद भी उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। पर जब जेमी स्पिरिट से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ तो स्पिरिट्स उसे जवाब देती है और जेमी समझ जाती है कि स्पिरिट्स को उसकी मौजूदगी अच्छी नहीं लग रही है। पर जेमी इन सबूतों को इकट्ठा करके वहाँ से चली जाती है और वो बहुत खुश होती है। अब जेमी जाती है वेंडी के घर उसे अपनी सक्सेस की गुड न्यूज़ देने के लिए और फिर अगले सीन में हमें डोनाल्ड को दिखाते हैं जिसे जेमी का कॉल आता है और जेमी तुरंत ही डोनाल्ड को वापस घर बुलाती है। अब डोनाल्ड वापस घर पहुंचता है जहां पे वो देखता है वेंडी को जो खिड़की की तरफ देखकर पागलों की तरह चिल्ला रही थी और रो रही थी और इसका मतलब अब वेंडी पूरी तरह पोजेस्ड है। अब वेंडी को डोनाल्ड शांत करता है और फिर उसे सुला देता है और जेमी डोनाल्ड से पूछती है कि आखिर घर में हो क्या रहा है। अब डोनाल्ड जेमी को वो बुक दिखाता है और बोलता है कि जब से ये बुक वेंडी को मिली है घर में अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं और जब जेमी उस बुक को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये बुक एक रिचुअल बुक है।
अब जेमी डोनाल्ड को बताती है कि इस बुक में एक डीमन को खत्म करने का तरीका लिखा हुआ है, पर वो तरीका हमें तभी पता चलेगा जब हम इस बुक में लिखे हुए एक रिचुअल को करेंगे, और उस रिचुअल को करने के बाद इस घर में मौजूद 3 अलग अलग लोगों को डीमन को सुनने, देखने और उसकी भाषा बोलने की शक्ति मिल जाएगी और हम डीमन को हरा पाएंगे। पर डोनाल्ड को ये सब बकवास लगता है और वो जेमी को चुप करवा देता है, पर जेमी डोनाल्ड को वार्न करती है कि इस घर में सच में एक डीमन है और उसी की वजह से वेंडी की तबीयत खराब हुई है। अब थोड़ी देर बाद चार्ली भी वेंडी को देखने के लिए आ जाता है और दूसरी तरफ जेमी अकेले ही उस पहले रिचुअल को कर देती है, जिससे अब घर में मौजूद 3 अलग अलग लोगों को 3 अलग अलग पावर्स मिल जाएंगी। अब थोड़ी देर बाद नैन्सी भी वेंडी से मिलने के लिए आ जाती है, पर जब नैन्सी वापस जा रही होती है तभी घर का दरवाज़ा अपने आप लॉक हो जाता है। अब घर की लाइट भी कट हो जाती है और घर से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, और इसका मतलब जेमी के रिचुअल करने की वजह से घर के अंदर जो डीमन रह रहा है और जो 3 चुने हुए लोग हैं उनके बीच में एक मुकाबला चालू हो गया है, और अगर वो डीमन उस मुकाबले को जीत गया तो सारे लोग मारे जाएंगे और वो डीमन वेंडी की आत्मा को अपने साथ ले जाएगा। अब जेमी सब लोगों के पास जाती है और बताती है कि उसने वो रिचुअल अकेले ही कर लिया है, पर डोनाल्ड को अभी भी उसकी बातों पे यकीन नहीं होता। पर जब डोनाल्ड उस खाली किताब को उठा के देखता है तो उस किताब में उसे कुछ मंत्र लिखे हुए मिलते हैं, और इसका मतलब डोनाल्ड को डीमन की भाषा बोलने की शक्ति मिली है, और अब सबको जेमी पे यकीन हो जाता है। अब सब लोग घर में फ्लैशलाइट ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं, और तभी जेमी को अंधेरे में एक काली फिगर दिखती है, और इसका मतलब जेमी को डीमन को देखने की पावर मिली है। और फिर घर में जो फोन मूवी की शुरुआत में जेमी को मिला था उसी खराब फोन पे एक फोन आता है, और जब चार्ली उस फोन को उठाता है तो उसे डीमन की हाई पिच वॉइस सुनाई देती है, और इसका मतलब चार्ली को डीमन को सुनने की शक्ति मिली है। अब जब सब लोगों को इस पूरी सिचुएशन पे यकीन हो जाता है तो जेमी को हर जगह वो सिंबल दिखाई देने लगता है जो पहले वेंडी ने कॉपी पे बनाया था, और जेमी जहाँ पे भी जाती है उसे वही सिंबल दिखता है और उसके सर में दर्द होने लगता है। अब चार्ली को फिर से उस डीमन की आवाज़ आती है, और वो आवाज़ इस बार वेंडी के रूम के पास से आ रही थी, और फिर सब लोग वेंडी के रूम की तरफ भागते हैं। अब जेमी सबको रास्ते में ही रोक देती है क्योंकि उसे डीमन फिर से अंधेरे में खड़ा दिखाई देता है, और फिर जेमी उस डीमन के लुक्स को डिस्क्राइब करना शुरू करती है ताकि बुक में से उस डीमन का नाम पता चल सके, क्योंकि अगर एक बार उस डीमन का नाम पता चल जाए तो उस डीमन को आसानी से हराया जा सकता है। अब जब डोनाल्ड बुक में से डीमन का नाम ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है तभी डोनाल्ड के हाथ से उड़कर वो बुक एक कमरे में चली जाती है, और जब डोनाल्ड उस बुक को लेने जाता है तो दरवाज़ा बाहर से बंद हो जाता है। अब डोनाल्ड को रूम में लॉक करने के बाद वो डीमन जेमी की तरफ बढ़ता है और उसे भी एक रूम में खींचकर लॉक कर देता है, और उसके बाद वो चार्ली को भी एक रूम में खींचकर बंद कर देता है, और बचती है अकेली नैन्सी। अब नैन्सी किचन में जाके एक चाकू लेती है, पर तभी वो डीमन नैन्सी पे हावी हो जाता है और वो डीमन नैन्सी को खुद को ही स्टैप करने पे मजबूर कर देता है, और दूसरी तरफ चार्ली को दिखाते हैं जो एक ड्रिल मशीन से गेट खोलने की कोशिश करता है, पर वो डीमन चार्ली पे भी हावी हो जाता है और चार्ली ड्रिल मशीन को अपने कंधे में घुसा लेता है। अब हमें जेमी को दिखाते हैं जिसे डीमन ने वेंडी के रूम में लॉक करा होता है, पर पोजेस्ड वेंडी उस रूम से अचानक ही गायब हो जाती है, और जब जेमी वेंडी को ढूंढ रही होती है तभी वेंडी उसके पीछे आ जाती है और जेमी को पकड़ लेती है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड को दिखाते हैं जिसे बुक के अंदर डीमन को शांत करने वाला मंत्र मिल जाता है, और फिर बुक की मदद से डोनाल्ड डीमन को शांत कर देता है और सारे लॉक्ड दरवाजे खुल जाते हैं। अब डोनाल्ड जाके चार्ली और नैन्सी की मदद करता है, और फिर जब चार्ली जेमी के पास जाता है तो हम जेमी को देखकर समझ जाते हैं कि अब जेमी पोजेस्ड है। अब अगले सीन में सब लोग शांत होकर डीमन को हराने के बारे में सोच रहे होते हैं, और तभी डोनाल्ड को बुक में उस डीमन का नाम मिल जाता है, पर तभी पोजेस्ड जेमी डोनाल्ड पे चाकू से अटैक कर देती है और चार्ली और नैन्सी खुद को बचाने के लिए एक क्लोजेट में छुप जाते हैं। अब डोनाल्ड जेमी से बच के भागता है, पर इन द एंड जेमी डोनाल्ड को पकड़ लेती है और उसे चाकू से कई बार स्टैब करती है, और फिर अचानक ही बेहोश हो जाती है।
अब चार्ली और नैन्सी डोनाल्ड के पास जाते हैं जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, पर मरते वक्त डोनाल्ड चार्ली को उस डीमन का नाम बता देता है और बोलता है कि इस नाम को यूज करके तुम उस डीमन को खत्म कर सकते हो, और उस डीमन का नाम होता है सुलुमैग। और फिर डोनाल्ड मारा जाता है, और तभी जेमी भी जाग जाती है और वो डोनाल्ड को मरा हुआ देखकर रोने लगती है। अब क्योंकि डोनाल्ड मर गया है तो नैन्सी फिर से उस पहले वाले रिचुअल को करती है जिससे उसे डीमन की भाषा समझने की शक्ति मिल जाती है, और अब वो तीनों बुक में जो रिचुअल डीमन को ख़त्म करने के लिए लिखा हुआ होता है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब तभी जेमी को दिखाई देता है सुलुमैग जो उन तीनों को मारने के लिए आ रहा होता है, और तभी चार्ली डीमन की आवाज़ से बेहोश हो जाता है और नैन्सी डीमन को ख़त्म करने वाले रिचुअल को करना स्टार्ट करती है। अब सीन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, पर इससे पहले वो डीमन उन तीनों तक पहुंच पाता नैन्सी उस रिचुअल को पूरा कर देती है और वो डीमन गायब हो जाता है और सबको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। अब वेंडी का बुखार भी उतर जाता है और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, और फिर चार्ली और नैन्सी जाते हैं उस बुक को जलाने के लिए, पर नैन्सी देखती है कि वो उस बुक को अभी भी पढ़ सकती है जबकि डीमन के ख़त्म होते ही उन तीनों की पावर्स भी ख़त्म हो जानी चाहिए थी। और फिर नैन्सी देखती है कि बुक में उस डीमन का नाम उल्टा लिखा हुआ है और वो नाम सुलुमैग नहीं असल में जेम्युलस होता है, पर नैन्सी को ये भी पता चलता है कि नाम उल्टा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि घर में एक डीमन नहीं दो डीमन है जिनके नाम एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं, और लोगों को कंफ्यूज करने के लिए रिचुअल के टाइम उस नाम को उल्टा लिखा गया है। और बुक में यह भी लिखा था कि रिचुअल करते वक्त उन दोनों डीमन को एक साथ खत्म करना होगा वरना वो दोनों डीमन हमेशा के लिए घर से जुड़ जाएंगे, और इसका मतलब वो दोनों डीमन अभी भी घर में है और जो रिचुअल नैन्सी ने परफॉर्म किया था वो एक गलत रिचुअल था। अब चार्ली और नैन्सी तुरंत ही जेमी को ढूंढना स्टार्ट करते हैं, पर जेमी फिर से पोजेस्ड होती है और वो नैन्सी को चाकू से कई बार स्टैब करके उसे मार डालती है। और जब चार्ली उस रूम में आता है तो रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और फिर जेमी चार्ली को भी मार डालती है। अब कुछ देर बाद वेंडी सोकर उठती है और उसे अपने पास दिखाई देती है पोजेस जेमी, और तभी मूवी ख़त्म हो जाती है और वेंडी के साथ क्या होता है ये हमें पता नहीं चलता। तो ये थी एक्सप्लेनेशन नो फियर मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस मूवी में ज़्यादा कुछ खास तो था नहीं, तो इसलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।